बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे होममेड टैंक पाउडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि विटामिन सी, ग्लूकोज, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होगा। और ये बिल्कुल परफेक्ट एक एनर्जी ड्रिंक है, जो कि बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, कोशिश कीजिएगा रेसिपी आखिर तक देखें, ताकि आप भी बिल्कुल परफेक्ट रेशो के साथ ये एनर्जी ड्रिंक घर पर बना सकें। इन विटामिन सी की टैबलेट से तो आप सभी वाकिफ होंगे, तो इन टैबलेट्स का मैं इस्तेमाल इस एनर्जी ड्रिंक में करूंगी। और इसके अलावा ग्लूकोज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ग्राइंडर में एक कप चीनी शामिल की है और ये 3/4 टीस्पून टार्ट्री यानी कि सिट्रिक एसिड शामिल किया है, 1/2 टीस्पून नमक। अब इन तमाम अज़ा को बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ताकि सिट्रिक एसिड बहुत अच्छे से चीनी में यकजान हो जाए। आप देख सकते हैं चीनी पिस के बिल्कुल बारीक हो गई है और सिट्रिक एसिड भी इसमें बिल्कुल यकजान हो गया है। अब चीनी को इस तरीके से ज़रा ऊपर नीचे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक कप यानी कि 250 ग्राम चीनी है, तो इसमें ये 6 अदद विटामिन सी की टैबलेट शामिल की हैं। आप चाहें तो विटामिन की टैबलेट कूट कर भी शामिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये ऑरेंज ड्रिंक बगैर विटामिन सी की टैबलेट के बनाना चाहते हैं, तो फिर सिट्रिक एसिड यानी कि टार्ट्री 1 टीस्पून शामिल कीजिएगा। इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑरेंज एसेंस शामिल किया है और ये तकरीबन 7 से 8 ड्रॉप ऑरेंज जेल कलर के शामिल किए हैं। और ये 1/4 टीस्पून ड्राई ऑरेंज फूड कलर पाउडर भी शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास जेल कलर नहीं है या आप नहीं डालना चाहते, तो आप खाली ड्राई ऑरेंज फूड कलर का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। बस इन तमाम अज़ा को एक दफ़ा दोबारा बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, ताकि कलर इसमें बहुत अच्छे से यकजान हो जाए। इसमें ये 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम ग्लूकोज भी शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो 1/2 कप यानी कि 100 ग्राम ग्लूकोज भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारा बहुत मज़ेदार, परफेक्ट और फुल ऑफ एनर्जी ऑरेंज ड्रिंक बनकर तैयार है। आप इसे बआसानी किसी भी जार में एयर टाइट करके बिल्कुल टैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना है, जिस जार में भी ट्रांसफर करके आप रखेंगे, तो उसमें 1 टीस्पून चावल लेकर मलमल के छोटे से पीस में या फिर टिश्यू पेपर में रबर बैंड की मदद से अच्छी तरह लपेट कर रखिएगा। या फिर आपके पास लीका जेल्स के पैकेट्स मौजूद हैं, तो एक आध इसके साथ रख दीजिएगा, ताकि ये जमे ना यानी कि गुठलियाँ सी ना बने। ये ऑरेंज जूस पाउडर एक ग्लास में 2 टेबलस्पून काफ़ी है। आप ये ऑरेंज जूस पाउडर या फिर टैंक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनर्जी ड्रिंक कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका दस्तरखान हलाल रिस्क से वसी से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।